हमारे सम्राट उत्तर मुंबई भाजपा सांसद का सम्मान, फेम इंडिया की तरफ से सर्वश्रेष्ठ सांसद का सम्मान, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाले सांसद गोपाल सेट्टी का सम्मान, उत्तर मुंबई गार्डन किंग कहे जाने वाले सांसद का सम्मान, उत्तर मुंबई जिला के लोकप्रिय सांसद का सम्मान। पिछले दिनों कर्नाटक समाज के लोगों ने कार्य सम्राट सांसद का सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। 10 मार्च को सांसद गोपाल सेट्टी को गुजराती नागरिक समिति द्वारा राज रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद गोपाल सेट्टी के हाथों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई। इस सम्मान समारोह में 25,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हुए। विधायिका मनीषा चौधरी, विधायक योगेश सागर, विधायक प्रवीण दरेकर, उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष विनोद सेलार, पूर्व नगर सेवक हेमंत मेहता और हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और गोपाल सेट्टी को चाहने वाले लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम में गोपाल सेट्टी के राजनीतिक कार्य को बड़े एलईडी पर दिखाया गया। एक पग भी ना बढ़ाया जो तो यह जिंदगी शिकस्त है, अड़चनों की धूप में तो कोशिशों की छांव बन, यू मुश्किलों से तू न डर, प्रयत्न कर प्रयत्न कर, संघर्ष साहस करुणा मानवता और कर्मठता के प्रतीक श्री गोपाल शेट्टी, उत्तर मुंबई का एक जाना पहचाना नाम श्री गोपाल शेट्टी, जिन्हें फेम इंडिया मैगजीन एशिया पोस्ट ने राष्ट्र में श्रेष्ठ, महाराष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित किया है। गोपाल शेट्टी जी के लिए ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, ये उनके लंबे राजनीतिक जीवन का एक प्रतीक चिन्ह है। वो जीवन जो उन्होंने कई दशकों पहले समर्पित कर दिया था जनता की सेवा के लिए। सिर्फ 14 वर्ष की किशोर आयु में कांदिवली के बोरसा पाड़ा यानी लोकमान्य तिलक नगर के गरीब और अभावों से भरी जनता की दशा सुधारने के लिए उन्होंने युवक मंडल की स्थापना की और ये जाहिर कर दिया कि सेवा और समर्पण के लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं होती। कार्य कुशलता, प्रतिभा, ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति समर्पण जैसे गुणों के कारण वे भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री राम नाईक की नजरों में आ गए। उनकी पारखी नजरों ने गोपाल शेट्टी में अपार संभावनाएं देखी और उन्होंने गोपाल शेट्टी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में शामिल कर लिया। सफर यूं ही चलता रहा, फिर वो दिन भी आया जब 1992 में वे वार्ड 149 के नगर सेवक के रूप में चुने गए। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नगर सेवक के रूप में 3 कार्यकाल और विधायक के रूप में 2 कार्यकालों के दौरान उन्होंने हर लिहाज से बोरीवली क्षेत्र के कायाकल्प करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम कैसे भूल सकते हैं भांडुप से चारकोप के बीच बनी भूमिगत पानी की पाइपलाइन को, जिसे श्री गोपाल शेट्टी ने मुंबई के प्रथम डेप्यूटी मेयर रहते हुए अपने अभूतपूर्व प्रयासों द्वारा ही बनाया था और जिसके बाद से पूरे उत्तर मुंबई क्षेत्र में पानी की समस्या ही खत्म हो गई। गोपाल शेट्टी जी ने अपने अथक प्रयत्नों से बोरीवली के नागरिकों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी हैं, जैसे जिमखाने, क्रीड़ा स्थल, स्वास्थ्य केंद्र, उद्यान और भी बहुत कुछ, जिसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में श्री गोपाल शेट्टी जी के कार्य का दायरा और भी बढ़ा दिया। आज गोपाल शेट्टी जी महाराष्ट्र के सबसे कर्मठ एवं सफल सांसद हैं। इस समस्या से निपटने के लिए नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट को टाइट करते हुए एनसीएलटी द्वारा ये गलत ढंग से दिए हुए पैसे वापस कैसे बैंक के तिजोरी में आ जाए, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने प्रयास किया और आपने देखा कि बहुत ही कम समय में 3,00,000 करोड़ रुपए वापस आ गए। 2014 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर उत्तर मुंबई से चुनाव लड़ा और पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने सर्वाधिक मतों के साथ चुनावी जीत दर्ज की। खासदार के रूप में प्रगति पथ पर चलते हुए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को यथार्थ करते हुए सामान्य, पिछड़ों और गरीबों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया।
प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जमीनी स्तर पर साकार करके गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई के हर एक जनमानस तक इसे पहुंचाया है। जन सेवा एवं राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित अपने इरादों के पक्के श्री गोपाल शेट्टी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका काम स्वयं बोलता है और इसकी सूची बहुत ही लंबी है। आइए श्री गोपाल शेट्टी जी के योगदान पर एक नजर डालें। रेलवे। मुंबई वासियों के लिए रेलवे दिनचर्या का एक जरूरी भाग है। अपने क्षेत्र में रेलवे के उत्थान के लिए गोपाल शेट्टी जी ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जो है प्लेटफॉर्म्स की हाइट बढ़ाना, डीलक्स टॉयलेट का निर्माण, सभी इंडिकेटरों का आधुनिकीकरण, सभी प्लास्टिक कवर शीट्स और सीमेंट की जगह गैल्वेनाइज्ड शीट्स लगवाना, सारे वाटर पाइप्स एवं गटरों की दुरुस्ती के साथ साथ नई वाटर वेंडिंग मशीन्स लगवाना। बीते 4.5 वर्षों में गोपाल शेट्टी जी ने बोरीवली स्टेशन का संपूर्ण कायापलट कर दिया। आज बोरीवली रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है बोरीवली के नगरजनों के लिए, और इसके लिए मैं देश के दूरदर्शिता प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सुरेश प्रभु जैसे एक अच्छे रेल मिनिस्टर को देश के लिए देकर बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने 5 एस्केलेटर्स, 7 लिफ्ट्स, ओवरहेड डेक्स, सोलर सिस्टम, न्यू टिकट विंडो बिल्डिंग, जंबो फैंस और स्काई वॉक्स लगवाकर बोरीवली स्टेशन को एक नवीनतम रूप दे दिया। साथ ही साथ बोरीवली स्टेशन पर पहली बार दृष्टिहीनों के लिए फुटओवर ब्रिज और सबवेज में ब्रेल लिपि इंडिकेटर लगाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने मालाड और कांदिवली में एस्केलेटर्स और फुटओवर ब्रिज का निर्माण भी करवाया है और दहिसर में एस्केलेटर का काम निर्माणाधीन है। उज्ज्वला योजना। उत्तर मुंबई क्षेत्र को चूल्हे और स्टोव से मुक्त बनाने के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उन्होंने गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस चूल्हों का वितरण किया। आज इन घरों की महिलाएं गोपाल शेट्टी जी की दिल से आभारी हैं, जिनके कारण उनके घर में गैस की सुविधा आ गई। गोपाल शेट्टी जी ने जिस सकारात्मक तरीके से इस उज्ज्वला योजना को उत्तर मुंबई में लागू किया, उससे प्रभावित होकर देश के पेट्रोलियम मंत्री व प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को इन बदलावों के साथ पूरे देश भर में लागू कर दिया। मित्रों, मैं सबसे पहले आभार प्रकट करता हूँ गोपाल जी को, उन्होंने आज उज्ज्वला प्लस कर दिया। इसके अलावा गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई की अनेकों बिल्डिंगों में और कई घरों में महानगर गैस की पाइपलाइनें लगवाई और कई घरों में अभी और पाइपलाइन लगाने का कार्य जारी है। कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है युवाओं को विभिन्न कार्यों में सक्षम बनाना, ताकि वे इसके द्वारा अपने भविष्य का निर्माण कर सकें। गोपाल शेट्टी जी ने उत्तर मुंबई में 16 से भी ज्यादा प्रशिक्षण केंद्रों की शुरुआत की, जिसमें 600 से ज्यादा विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण पाया है। स्टार्टअप इंडिया। इसी तरह से उन्होंने स्टार्टअप इंडिया अभियान में उत्तर मुंबई के अनेक युवाओं को स्वयं रोजगार के लिए प्रेरित किया और आज ये युवा स्वयं रोजगार पैदा करके स्वाभिमान का जीवन जी रहे हैं। राजनीतिक जीवन में अजय रहे गोपाल शेट्टी जी हमारे साथ हैं। चलिए जानते हैं इस सम्मान समारोह के बारे में क्या कहना है सांसद गोपाल शेट्टी जी का। 27-28 साल प्रतिनिधि जीवन में मैंने जिस प्रकार का काम किया और पार्लियामेंट में MP बनने के बाद में पहली बार मुझे फेम इंडिया नाम के संस्था ने जो सम्मान किया, उसके खुशी में सारे बोरीवली के और उत्तर मुंबई के लोगों ने यह सरकार का कार्यक्रम किया। पिछली बार कर्नाटक समाज के लोगों ने किया था, अभी गुजराती समाज के लोगों ने आज किया, आने वाले दिनों में उत्तर भारतीय और बाकी मराठी ये सारे लोग करेंगे। जो मैंने जो इतने साल राजनीतिक जीवन में काम किया पारदर्शिता से और सारे समाज को जोड़ा, उसका ये फल आप लोग देख रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आज भारतीय जनता पार्टी और गोपाल शेट्टी से प्रेम कर रहे हैं।